प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से थोड़ी देर में होगी मुलाकात। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच भारत के लिए मुलाकात अहम। साइप्रस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री से भी पीएम मोदी के मुलाकात का कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को प्रधानमंत्री कल करेंगे संबोधित। कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर टल सकता है 21 अक्टूबर को होने वाला उपचुनाव। 17 अयोग्य विधायकों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते लिया गया फैसला। उपचुनाव टालने को चुनाव आयोग राजी। 22 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी और बिहार से राज्यसभा की एक एक सीट पर 16 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी के निधन से खाली हुई है सीट। कल जारी की जाएगी चुनावी अधिसूचना। देश में एक साथ कराए जाने चाहिए सभी चुनाव। पुणे में आयोजित पुण्य भूषण पुरस्कार समारोह में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कहा, देश और राज्यों में बार बार चुनाव से जनहित से जुड़े कार्यों पर पड़ता है असर। और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को मिली राहत। आरबीआई ने 6 महीने में निकासी सीमा 1000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए की। आरबीआई ने बैंक पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन देन पर लगा रखी है रोक।